नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे व्लॉग पे। हम लोग फिर वापस आ गए। आज जो है वो हमारा आखिरी दिन है दुबई में। 8-9 दिन कहाँ निकल गए ये समझ में ही नहीं आया। बहुत फास्ट ये हमारा शेड्यूल था। आज सुबह जो है मैं और हिरेन हम लोग निकले हैं मरीना बीच के लिए। मैंने बोला था मरीना बीच का वीडियो बनाऊंगा। मरीना बीच वैसे हम लोग 4-5 बार गए लेकिन वीडियो नहीं बना पाए, तो आज स्पेशली हम लोग निकले हैं दोनों जन। ये लोग तो अभी सो रहे हैं, रवि और सारे। कुछ लोग पैकिंग में लगे हुए हैं क्योंकि आज रात को हमारी फ्लाइट है। लगभग 4 बजे सुबह है तो हमें 1 बजे तो एयरपोर्ट पहुंच जाना होगा। कल जो है वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब बुखार जैसा लग रहा था। हॉट एयर बलून से आने के बाद ही मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। रात को ये लोग गए थे मरीना और ये पूरा एरिया इन्होंने घूमा लेकिन मैं नहीं जा पाया। रेस्ट ही किया, कल दोपहर से सोया था तो आज सुबह उठा मैं 7 बजे, फ्रेश महसूस हो रहा है। तो नहा धो के हम लोग निकल गए, अभी जाते हैं मरीना बीच पे, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आ गए हम बीच के पास में। हाँ, बहुत अच्छा बीच है, वर्ल्ड का बेस्ट है। माहौल देखो सुबह सुबह, यहाँ पहले दिन शाम को ही आए थे यहाँ पे। हाँ, और लास्ट डे भी आए तो एक कैसा क्लोजिंग हो गया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्लोजिंग सेरेमनी है आज हमारी। तो आ गए हम लोग मरीना बीच पे सुबह सुबह। अभी इतनी भीड़ नहीं है, लोग आने शुरू होंगे थोड़ी देर में। निकला हमारा स्काई डाइव वाला प्लेन यहाँ से, ये जाएगा अभी ऊपर और ऊपर से गिराएगा सबको नीचे। बहुत ही मस्त नजारा। अभी तो सुबह के 10 भी नहीं बजे है और यहाँ पे लोग आ गए है। सारी चीजें इधर ही है, मरीना में ही है। हम लोग अभी घूमते घूमते लास्ट तक जाएंगे क्योंकि आपको पूरा बीच दिखाना है। समुन्दर भी काफी शांत है तो यहाँ पे आराम से आप समुन्दर के अंदर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी सेफ जगह है यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए, पानी में जाने के लिए। कुछ कुछ बाउंड्रीज बना के रखी है गवर्नमेंट ने, बीच अथॉरिटीज ने, कि उसके पार आप नहीं जा सकते हैं, अलाउड नहीं है। तो जितना एरिया सेफ है उसको अलग से एक कॉर्नर करके रखा हुआ है, वहाँ पर आप पानी में जा सकते हो, तैर सकते हो, खेल सकते हो। लाइफ गार्ड वाले भी यहाँ पे खड़े हैं आपको बचाने के लिए। सही है भाई, ये वाला प्राइवेट बीच था, प्राइवेट बीच में हम लोग घुस गए। तो अभी ये जो बैरियर है ये प्राइवेट बीच का बैरियर है, हम लोग बाहर निकल गए। उसको बोला कि भाई निकल रहे हैं हम लोग बाहर। अभी मुझे कोई बता रहा था कि कुछ दिनों बाद दुबई में सिर्फ पैसे वाले रहेंगे और सिर्फ लेबर्स जो है वो रहेंगे। मिडिल क्लास तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मिडिल क्लास यहाँ पे रहेगा नहीं। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे बहुत हाई है तो मिडिल क्लास उड़ने वाला है यहाँ से कुछ दिनों के बाद। पैसे वाले होंगे और उनके नौकर होंगे या लेबर्स होंगे जो यहाँ पे काम करेंगे, बाकी जो मिडिल क्लास है वो स्वाहा हो जाएगा। और ऐसा लगता भी है, बहुत कॉस्टली है। और ये जो एशिया से, दूसरी कंट्री से, अफ्रीका से लोगों को यहाँ पे ये लोग, मैं तो पूछते रहता हूँ सबसे कि भाई आपको कितना यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है। 25,000-30,000 इंडियन रुपीज में ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 12-12, 13-13 घंटे टॉयलेट्स के अंदर। अभी रवि मुझे बता रहा था कि 2-2 जन को इन्होंने रखा हुआ है टॉयलेट्स के अंदर सफाई के लिए। तो रवि बोल रहा था कि अगर लंदन होता तो एक जन भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मिनिमम वेज तो देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, 4 जन को रखो लेकिन पैसे की कोई फिक्र नहीं, आप मिनिमम वेजेस के कम भी रख सकते हैं और कोई कंप्लेंट नहीं करेगा गवर्नमेंट में, क्योंकि इन लोगों को भी जरूरत। ये अगर कंप्लेंट करेंगे ये तो डिपोर्ट हो जाएंगे लेकिन बाद में फिर कभी आ भी नहीं पाएंगे उनकी कंप्लेंट की वजह से। मिनिमम वेज जैसा कुछ है भी कि नहीं पता नहीं यहाँ पे। अपने देश में इतनी बेरोजगारी है कि उनको यहाँ आना ही पड़ता है और ये लोग यही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ एक जन के पे में 4 जन को रखा हुआ है इन्होंने। दुबई की ये सब डार्क साइड्स भी है। ऐसा कहा जाता है एक आदमी को रखो, 3 आदमी का पे दो और 5 आदमी का काम करवाओ। 1:3:5 रेशियो के हिसाब से यहाँ पे चलता है पूरा इकोनॉमी। हम लोग हैं तो बीच पे बातें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, है ना। हाँ। कोई बात नहीं है, आप लोग बीच एंजॉय करो हमारे पीछे। हम लोगों को जो लगा यहाँ पे इतने दिन रहे, मैं तो 2005 में आया था जब यहाँ पे ये मरीना वरीना कुछ भी नहीं था। उस समय में जो इसका सबसे पॉश एरिया था वो जुमेरा था, बुर्ज अल अरब वाला। अभी देखो ये मरीना हो गया, पाम हो गया इधर पीछे, ये सारे एरियाज जो है वो यहाँ के पॉश एरियाज है। यहाँ देखो वाटर स्पोर्ट के लिए है, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक वाहन। यहाँ पे सनबाथ ले सकते हैं आप आराम से। देखो ये सनबाथ के लिए जो बनाया हुआ है ये सारा पेड है। मैंने सोचा फ्री में है, दुबई में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, सारे पेड है। अभी मैं आके बैठ गया यहाँ पे तो बोलता है सर आपको पैसे देने होंगे, मैं तुरंत ही खड़ा हो गया। मतलब नहीं, पैसे नहीं देने, क्योंकि हम लोग बीच में नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ बैठ के हम क्या करेंगे, हम तो जाएंगे आगे अभी चलते हुए। हम जो इंडियंस है, जैसे हमारे लिए दिवाली की छुट्टियाँ होती है, इन गोरों के लिए क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है। कभी क्रिसमस की छुट्टियाँ चालू हो गई इनकी, तो ये बीच पे आपको गोरे ही नजर आएंगे। वैसे भी गोरे ही नजर आते हैं क्योंकि ये पूरा एरिया जो है मरीना ये गोरों का ही है। एक्सपर्ट लोग जो बोलते हैं, हाई सैलरी जॉब्स वाले हैं बाहर के लोग, वो यहाँ काम करते हैं और यहाँ पे वही लोग होते हैं। हमें तो गर्मी होने लगती है भाई, ये देखो पसीना हो गया। ये लोग पूरा मजा ले रहे हैं धूप का, मुझे और हिरन को। तो हिरन अभी बोल रहे हैं कि पसीना होने लगा, टी शर्ट पूरा चिपचिपा हो गया। लेकिन इनको देखो, ये लोग यहाँ पे आराम से पड़े हुए हैं, नंगे धड़ंगे।
हैं और बीच का पूरा मजा ले रहे हैं। हम लोग भी आते हैं इरेन, चलो चलो। कपड़े निकालते हैं और कूद जाते हैं बीच में, ऐसा कोई मतलब नहीं है यार, जाते हैं समुंदर में। मेरा तो यार सर दर्द कर रहा था कल धूप से, सोचो जब 50 डिग्री होता होगा तब क्या होता होगा। यहाँ पे कुछ वाटर एक्टिविटीज भी है, देखो ले सकते हैं आप सारी चीजें, दिखाते हैं आपको अभी। सेल बोट, डोनट राइड, वाटर एडवेंचर है यहाँ पे सारी चीजें। अगर पानी में कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप ले जा सकते हैं अंदर। 5000 स्टेप कर दिए हैं, 10:18 हो रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो मरीना बीच है ये जुमेरा बीच से काफी बेहतर है, तो आप इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। आप हमारा जो पहला वीडियो है जुमेरा बीच वाला वो जाके देख सकते हैं और वहाँ पे आपको देख के मालूम चल जाएगा कि ये मरीना वाला बीच जो है वो जुमेरा बीच से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे समय जाने लगा वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो समुंदर का मजा लेने, बीच का मजा लेने पहुँच चुके हैं। चलो तो अब जाते हैं वापस। ये था छोटा सा वीडियो मरीना के बारे में, आपको आइडिया आ गया होगा कि बीच कैसा है ना इरेन। चलते हैं घर वापस। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।